हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैस्कुलर प्लांट्स एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। और एक और टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। तो आइए इन टॉपिक्स को, छोटे से टॉपिक्स को आज के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वैस्कुलर प्लांट्स एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स जो हैं, जिन्हें हम ट्रेक्योफाइट्स कहते हैं, ये लैंड प्लांट, सक्सेसफुल लैंड प्लांट कैसे बने? तो लैंड प्लांट्स वो प्लांट हैं जो लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। वैस्कुलर प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अ नंबर ऑफ एडॉप्टेशन टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दैट हैव बीन इनेबल देम टू इन्वेड ऑल द मोस्ट हॉस्पिटेबल लैंड हैबिटेट। तो इसके अंदर जो है, जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इन्होंने बहुत सारी एडॉप्टेशंस की हैं, जिसकी वजह से वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर, वो आराम से रह रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डाइवर्ज सिग्निफिकेंटली फ्राम वन अनदर। तो इस प्रोसेस के दौरान वो जो है एक दूसरों से, जो है वो एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से डिफरेंट लगने लगा, क्योंकि एडॉप्टेशंस आ रही हैं। तो जो पुराना प्लांट होगा उससे नए प्लांट के अंदर कुछ नई एडॉप्टेशंस होंगी। तो इस तरह प्लांट्स अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंट थे। फॉर फंडामेंटल एडॉप्टेशन ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स विद अ फ्यू माइनर एक्सेप्शन मेक देम मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। तो चार जो है यहाँ पर फंडामेंटल एडॉप्टेशंस लिखी हुई हैं प्लांट्स की, जो प्लांट ने जो कुछ अपने अंदर चेंजिंग्स लाई तो उनको एडॉप्टेशन कहते हैं। और यहाँ पर चार एडॉप्टेशंस दी हुई हैं जिनकी वजह से प्लांट्स जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स रहे। तो कुछ छोटी सी यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, मतलब इस यहाँ पर जो है कुछ बातें हमारे पास नहीं है, लेकिन चार जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं जो प्लांट्स ने अडॉप्ट की। सबसे जो पहला पॉइंट है, अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टीराइड जैकेट सेल्स अराउंड द गैमिटेंजिया। तो सबसे पहले इनकी जो गैमिटेंजिया हैं, जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम हैं, ये दोनों जो है इनके ऊपर एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है, और उनको जो है वो स्टीराइल जैकेट सेल्स की बनी हुई है। तो ये जो है इनकी एक एडॉप्टेशन थी, लेकिन अगर ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती तो ये गैमेटेंजिया को नुकसान होता। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टीराइल जैकेट सेल्स की एक लेयर है जो इनके ऊपर से जो है वो इनके गैमेटेंजिया के ऊपर है, और ये इनकी एक बड़ी एडॉप्टेशन है। नंबर टू है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो रिटेन विद इन द आर्चिगोनिया। अब आर्चिगोनिया के अंदर ही इनका जो है वो एम्ब्रियो रहता है। पहले जो हमारे पास जो प्लांट्स थे वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो है वो उनकी वो एम्ब्रियो उनका बाहर था, एनवायरनमेंट में रहता था, लेकिन इनका जो एम्ब्रियो है ये आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है और रिटेन रहता है और महफूज रहता है वहाँ पर। तो ये एम्ब्रियो है जो वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर होता है, ये इनके आर्चिगोनियम के अंदर ही मौजूद होता है और वहीं पर महफूज होता है। एक थर्ड एडॉप्टेशन है, क्यूटिकल ऑन एरियल पार्ट्स। जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर आ चुकी है, और ये लेयर जो है वो इनके वाटर को बचाने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि लैंड पर जो है वो पानी के एवोपोरेशन होने के बड़े खतरे होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट लग रही होती है तो पानी ज़्यादा एवोपोरेट होगा। तो क्यूटिकल लेयर जो है पानी की एवोपोरेशन के लिए से बचाती है और पानी को बचाने में हेल्प करती है। जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स प्रोवाइडेड होगा यहाँ पर सपोर्ट। तो यहाँ पर जाइलम जो है, ये जाइलम क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और डिजॉल्व मिनरल की ट्रांसपोर्ट करता है और सपोर्ट भी देता है। तो ये जाइलम भी इनकी एक बड़ी एडॉप्टेशन है जो इनको लैंड पर आने के लिए हेल्प करती है। मैनी अदर सच एडॉप्टेशन एब्जेंट इन द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स अपीयर मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ डिविजन्स। तो जो एडवांस्ड वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी दूसरी भी एडॉप्टेशंस आई हैं, और ये जो है वो इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बनाती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें हमने पढ़े कि सीडलेस हैं कुछ वेस्कुलर प्लांट्स, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। सीडलेस प्लांट्स हैव हिस्टोरिकली प्लेड अ रोल इन ह्यूमन लाइफ। मैन गेट मैनी एडवांटेजेस इंक्लूडिंग फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड डेकोरेशन। तो इनसे जो है वो सीडलेस प्लांट ने इंसान की ज़िंदगी में एक बड़ा जो है वो हमारे पास रोल प्ले किया है।
इसमें क्या है, हमारे पास फूड आ जाता है, हमें ये जो प्लांट्स हैं ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल भी हमें देते हैं, मेडिसिन भी हम इनको यूज़ करते हैं, और ये डेकोरेशन में भी बड़े काम आते हैं। दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, ये जो है यूज़ होते हैं फूड के तौर पे, जैसे कि हमारे पास जो है वो टेरेस है और सेरोटॉप टेरेस है और मर्सीलिया है, तो ये दो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फूड के अंदर यूज़ होते हैं या फिर फूड के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है। पॉलीपोडियम ग्लाइकोरिया ग्लाइकोरिजा इज़ अ पार्ट ऑफ डाइट ड्यू टू स्वीटनेस ऑफ इट्स रिजोम एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। तो ये जो है पॉलीपोडियम ग्लाइकोरिजा, ये क्या है, एक हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स है, और ये क्या करता है, इनके इसकी जो रिजॉइड्स होते हैं, रिजॉइड्स नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रीम होती हैं, ये क्या होती है, स्वीट होती हैं, तो इनके अंदर ये रिजोम स्वीट होती है, और इसे जो है वो खाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसकी जो रिजोम है इसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, कुछ ऐसी डिजीज हैं इनको ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोल अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल सोर्स एंड कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग डिपॉजिटेड बाय सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स ऑफ द कार्बोनिफोरियस पीरियड। तो कार्बोनिफोरियस जो पीरियड है, वो जो कार्बन वाला पीरियड है जो बहुत साल पहले था, इसके अंदर क्या हुआ, कोल की फॉर्मेशन हुई जो इन प्लांट्स ने की। सीडलेस प्लांट्स तब के दौर में जो है वो सीडलेस प्लांट्स बहुत सारे थे, और वो जब डिस्ट्रॉय हुए तो उनमें से जो है वो कोल की फॉर्मेशन हुई। तो कोल की फॉर्मेशन, हमारे पास कोल जो है वो ये मेजर सोर्स है फ्यूल का, और ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो ये भी जो है वो सीडलेस प्लांट्स की देन है, मतलब सीडलेस प्लांट्स से ही ये कोल आया है। वाटर फर्न्स ऑफ जीनस एजोला हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एंड रिस्टोर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये फर्न्स जो है, ये जैसे कि जीनस है एजोला, ये जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनको रिस्टोर करते हैं, और न्यूट्रिशन को रिसाइकल करने में, एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर न्यूट्रिशन को जो वो रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, द ब्यूटीफुल फ्रॉन्ट्स ऑफ फर्न्स मेक देम फेवरेट डेकोरेटिव प्लांट्स। तो फर्न्स के जो ब्यूटीफुल लीव्स हैं वो इनको जो है वो डेकोरेटिव प्लांट्स भी बनाते हैं, और उन्हें डेकोरेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, खूबसूरती के लिए घर के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। द रिजोम पॉलीपोडियम ग्लाइकोरिजा, ये जो इनकी रिजोम है पॉलीपोडियम ग्लाइकोरिजा की, जिसे जो है वो लिकोराइज फर्न्स भी कहते हैं, also have medicinal properties in use in the remedy of our sore throat. तो इस प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको जो है वो मेडिसिन के अंदर इस तरह यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो गले की खराश के लिए इस प्लांट को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास प्लांट है पॉलीपोडियम ग्लाइकोरिजा, इसे जो है वो गले की खराश के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम सीड प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, जिसे स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।